I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness of you. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई मैं थारा देसी छोरा धाक कटोरा। तो भाई आज हम आए हैं गोपालदास जी के मंदिर में, जो कि पहाड़ों के बीच बना हुआ है। तो आपको दिखाते हैं एक बार मंदिर की झलक। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should. तो भाई साहब हम मंदिर आ चुके हैं। देखिए एंट्री गेट के बाहर ही गौ माता खड़ी है, और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जितने भी मंदिर में हम गए हैं हर मंदिर में गौ माता सबसे पहले मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जय गौ माता की। तो भाई गौ माता के जो भी चरणों में धागा बांधता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पे। तो भाई देखिए दो गौ माता हैं छोटी छोटी यहाँ पर, जिनको बछिया बोलते हैं ना, और ये मंदिर बनाया है अभी कुछ दिन पहले। गौ माता का मूर्ति स्थापना की है, जो भी भक्त आते हैं माता को चुनरी पहना के सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो भाई ये बरामदा है, देखो यहाँ पर रात को भजन कीर्तन होते हैं और दिन में कोई भंडारा वगैरह होता है तो यहीं पर लोग करते हैं काम। और भाई देखिए यहाँ जो नीचे दिख रहा है आपको कुंड सा, यहाँ पर हवन होता है। और अंदर चलते हैं, ये शिव मंदिर है, जय भोलेनाथ। शिव मंदिर बना रखा है अंदर, यहाँ पर शिवलिंग देखिए कितना अच्छा है। और ये अंदर जो गोपालदास जी महाराज है उनकी पद चिन्ह है देखिए। और भाई देखिए बरामदे के अंदर यहाँ पर रूम है, वहाँ पर भोलेनाथ का, संतोषी माता का, कृष्ण जी का और नंदी का मंदिर बना रखा है, प्रतिमा लगा रखी है, यहाँ पर भी लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो भाई साहब हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं, और यार कितना अच्छा नज़ारा है, पहाड़ों के बीच प्रकृति का व्यू देखिए एक बार, चारों तरफ से कितनी हरियाली है देखिए। तो भाई जो ये बरामदा दिख रहा है, जो भी यहाँ पर बामसा होते हैं दानदाताओं ने बनवाया हुआ है देखिए, पंखे वगैरह सब उन्होंने लगवाए हैं। और यहाँ पर देखिए झाड़ा वगैरह लगता है पैर वैर दर्द का। और यहाँ पर देखो गाय माता के लिए तूड़ा वगैरह यहाँ रखा हुआ है, और बारिश के मौसम में यहाँ पर रहती हैं। और भाई साहब हम आ चुके हैं पहाड़ियों के बीच में, एक रास्ता है ऊपर जाने का, तो चले चलते हैं दिखाते हैं आपको कितने अच्छे व्यूज आ रहे हैं यहाँ से देखिए, बिल्कुल पहाड़ के बीच में है। तो यार ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ के बाबा थे गोपालदास जी महाराज थे, उन्होंने यहाँ पर ही, मैंने दिखाई थी आपको वो गद्दी दिखाई थी उनकी, समाधि ली थी वहीं पे, और उसके बाद से यहाँ पर काफी देखिए कितना जबरदस्त रास्ता है यार, मैं यहाँ पर चल के दिखाता हूँ आपको। मौसम हो रहा है यार, हवा चल रही है ठंडी ठंडी देखिए। तो भाई साहब मंदिर दिखा दिया मैंने आपको, और भी काफ़ी लोकेशन दिखाई है पहाड़ी का, यार दृश्य काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। तो सारे भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जय माता दी, जय हिंदुस्तान।